नमस्कार, आपके साथ मैं हूं तृप्ति विश्वकर्मा और आप देख रहे हैं न्यूज टाइम्स चैबासा। इस बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। आइए नजर डालते हैं सिंहभूम की खबरों पर। झारखंड के 13वें मुख्यमंत्री के रूप में एक बार फिर से हेमंत सोरेन ने शपथ ग्रहण कर लिया है। हेमंत सोरेन को राज्यपाल डॉक्टर सीपी राधाकृष्णन ने उनको मुख्यमंत्री के पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई। मुख्यमंत्री के रूप में हेमंत सोरेन ने तीसरी बार पदभार संभाला है। मंत्रिमंडल का गठन सबसे बातचीत करने के बाद ही किया जाएगा। हेमंत सोरेन के शपथ ग्रहण समारोह में कांग्रेस, झामुमो और राजद के सभी विधायक मौजूद थे। हेमंत सोरेन के शपथ लेने के बाद अब सबकी निगाहें चंपाई सोरेन पर टिकी है कि पार्टी या सरकार में उनकी भूमिका क्या होगी। साथ ही मंत्रिमंडल विस्तार पर भी सबकी नज़र बनी रहेगी कि मंत्रिमंडल में फेरबदल होता है या वही पुराने चेहरे को शामिल किया जाएगा। झारखंड अलग राज्य बनने के बाद रघुवर दास ही ऐसे मुख्यमंत्री बने जिन्होंने 5 साल का कार्यकाल पूरा किया। कोल्हान प्रमंडल के मुख्यालय चैबासा में पुलिस लाइन मैदान में 20वीं कोल्हान क्षेत्रीय पुलिस खेलकूद प्रतियोगिता आयोजित हुई। इस प्रतियोगिता में पश्चिमी सिंहभूम, पूर्वी सिंहभूम, जमशेदपुर और सरायकेला खरसवां जिला के पुलिस जवानों ने हिस्सा लिया, जिसमें पश्चिमी सिंहभूम चैबासा की टीम ओवरऑल चैंपियन रही, जबकि पूर्वी सिंहभूम की टीम उपविजेता बनी। गुरुवार को प्रतियोगिता के समापन में कोल्हान प्रमंडल के DIG मनोज रतन चौथे, जमशेदपुर के सीनियर SP कौशल किशोर और चैबासा के DC कुलदीप चौधरी ने प्रतियोगिता के विजेता और उपविजेता प्रतिभागियों को ट्रॉफी देकर सम्मानित किया। कोल्हान प्रमंडल के DIG मनोज रतन चौथे ने समापन समारोह को संबोधित करते हुए विजेता और उपविजेता पुलिस जवानों को प्रोत्साहित किया। उन्होंने कहा कि जवानों के व्यस्ततम शेड्यूल में खेलकूद बहुत आवश्यक है। चैबासा जैसे जगह में नक्सली क्षेत्र में कार्य करना एक चुनौतीपूर्ण कार्य है। ऐसे में समय निकालकर खेलकूद में शामिल होना और बेहतरीन प्रदर्शन करना सराहनीय प्रयास है। चैबासा जिला को बधाई देना चाहता हूँ कि आप जनरल चैंपियनशिप जीतकर इस प्रतियोगिता में अव्वल स्थान पर आए हैं। मैं शुभकामनाएं देना चाहता हूँ जमशेदपुर जिला बल को जो द्वितीय स्थान पर है और सरायकेला जिला बल जो तृतीय स्थान पर है। साथ ही मैं बधाई देना चाहूँगा हमारे CTC मुसाबनी से आई हुई टीम को और TTS जमशेदपुर की टीम को जिन्होंने इस प्रतियोगिता में पार्टिसिपेट करके इस प्रतियोगिता की शान बढ़ाई है। ओपनिंग दिन के रिमार्क्स में भी मैंने कहा था ये खेलकूद प्रतियोगिता क्यों पुलिस के जीवन में आवश्यक होती है। हमारी जो जिंदगी है काफ़ी संघर्षों से भरी हुई रहती है और खास करके जब आप चैबासा जैसे जिला में काम करते हैं जहां नक्सली थ्रेट होती है, उसके अलावा आप डेली विधि व्यवस्था की समस्या से जूझते रहते हैं, उसमें कहीं ना कहीं आपको एक अलग से खेलकूद के लिए टाइम निकाल करके यहाँ आना, खेलना और उसमें फिर पदक जीतना एक अपने आप में बहुत बड़ी चीज़ मैं समझता हूँ। आज पुलिस केंद्र चैबासा के प्रांगण में 20वें कोल्हान क्षेत्रीय पुलिस खेलकूद प्रतियोगिता का समापन किया गया है। पिछले 3 दिनों में जो कोल्हान क्षेत्र के 3 जिले हैं और एवं 2 प्रशिक्षण संस्थान हैं, तो कुल 5 टीमों के द्वारा विभिन्न कैटेगरी ऑफ स्पोर्ट्स में पार्टिसिपेट किया गया और ओवरऑल सभी का पार्टिसिपेंट काफ़ी अच्छा रहा और हम लोगों को खुशी है कि चैबासा पुलिस परिवार की ओर से हम लोगों ने इसका सफल संचालन किया है और ये क्षेत्रीय खेल प्रतियोगिता। GK लॉन्च फैमिली सलून मेन रोड सदर बाजार चैबासा। हमारे यहाँ आपको हेयर कटिंग, फेसियल स्मूथिंग, कैरेटिन, कलर डिटेन, स्ट्रेथनिंग, हेयर ट्रीटमेंट, स्किन ट्रीटमेंट, ब्राइडल मेकअप की बेस्ट क्वालिटी की सुविधा मिलेगी। बेहतरीन सर्विस और बेस्ट प्रोडक्ट के साथ सारी सुविधाएं आपके चैबासा शहर में उपलब्ध हैं। सेवाओं के लिए आए GK लॉन्च सदर बाजार या फिर स्क्रीन पर दिए गए मोबाइल नंबर पर संपर्क करें। आप खेल से जुड़ा सामान खरीदना चाहते हैं
तो कहीं और जाने की क्या जरूरत है, अमित स्पोर्ट्स कलेक्शन है ना। हम आपको हर आइटम जमशेदपुर से भी कम कीमत पर चाईबासा में उपलब्ध कराते हैं। क्वालिटी प्रोडक्ट के लिए तो चिंता ही नहीं करनी है। चाईबासा शहर के सदर बाजार में FS टावर और GMP चौक के पास दोनों ही जगहों पर संचालित होता है अमित स्पोर्ट्स कलेक्शन। तो फिर सोचना क्या है, आइए अमित स्पोर्ट्स कलेक्शन और अपना पैसा और समय दोनों बचाइए। पश्चिमी सिंहभूम के उपायुक्त कुलदीप चौधरी ने बंदगांव प्रखंड के हिरनी फॉल जलप्रपात का निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान उपायुक्त ने हिरनी फॉल को पर्यटन स्थल के रूप में विकसित करने और आधारभूत संरचना उपलब्ध कराने का निर्देश दिया। उपायुक्त ने हिरनी फॉल का निरीक्षण के दौरान पर्यटन स्थल के समीप स्थित गेस्ट हाउस का अवलोकन करते हुए इसे बेहतर तरीके से नवीकरण करने के लिए कहा। उपायुक्त ने कहा कि हिरनी फॉल आने वाले पर्यटकों को किसी भी प्रकार की समस्या ना हो और यहां आने वाले पर्यटक इस मनोरम दृश्य का आनंद उठा सके। उपायुक्त ने कहा कि हिरनी जलप्रपात की सुंदरता देखते ही बनती है। ऊंचाई से गिरता हुआ पानी की धारा प्राकृतिक सौंदर्य का अनूठा मिसाल है। इस दौरान उप विकास आयुक्त संदीप कुमार मीना, पोड़ाहाट के SDO रीना हाजदा, भवन प्रमंडल के कार्यपालक पदाधिकारी सैफुल्ला अंसारी, कार्यपालक दंडाधिकारी कुमार हर्ष, जिला खेल पदाधिकारी रूपा रानी तिर्की मौजूद रहीं। वन महोत्सव के अवसर पर महिला कॉलेज चाईबासा में BEd NSS यूनिट की ओर से विभिन्न प्रतियोगिताओं का आयोजन किया जा रहा है। वन महोत्सव के अवसर पर आयोजित होने वाले प्रतियोगिताओं का विषय वनीकरण एवं पर्यावरण संरक्षण रखा गया है। गुरुवार को भाषण और निबंध लेखन प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। भाषण के लिए 5 मिनट का समय और निबंध प्रतियोगिता में शब्द सीमा 600 रखी गई थी। भाषण प्रतियोगिता में 13 और निबंध प्रतियोगिता में 62 छात्राओं ने भाग लिया। जिला बार एसोसिएशन चाईबासा के वरिष्ठ अधिवक्ता रहे स्वर्गीय कृष्ण कुमार बजाज के निधन होने पर गुरुवार को बार एसोसिएशन प्रांगण में उनकी पत्नी ललिता देवी बजाज को बार एसोसिएशन के महासचिव फादर अगस्टीन ने 5,40,000 का चेक प्रदान किया। झारखंड स्टेट बार काउंसिल के ट्रस्टी कमेटी की ओर से 5,40,000 का चेक प्रदान किया गया। इस मौके पर वरिष्ठ अधिवक्ता जगतानंद प्रधान, दुर्योधन गोप, मनीष देवगम और धर्म सिंह हिस्सा मौजूद थे। विद्युत आपूर्ति अवर प्रमंडल चाईबासा के अंतर्गत तांबो चौक से उपायुक्त आवास, गांधी टोला स्थित करनी मंदिर से मधु बाजार तक 5 जुलाई को विद्युत आपूर्ति सुबह 10 बजे से 1 बजे तक बाधित रहेगी। विद्युत आपूर्ति अवर प्रमंडल चाईबासा के द्वारा जारी सूचना में कहा गया है कि जम्पर, पेड़ की डाली छटाई, ट्रांसफार्मर, AB स्विच कनेक्टर की मरम्मति और रखरखाव के कारण शुक्रवार को सुबह 10 बजे से 1 बजे तक विद्युत आपूर्ति बाधित रहेगी। आप सोने और चांदी का आभूषण खरीदारी करना चाहते हैं तो कहीं और जाने की जरूरत नहीं, चले आइए श्याम ज्वेलर्स में। श्याम ज्वेलर्स में आपको सोने और चांदी के लेटेस्ट डिजाइन के आभूषण उचित मूल्य पर मिलेगा। श्याम ज्वेलर्स में सोने और चांदी के आभूषण की शुद्धता की 100% गारंटी है। तो फिर ज्यादा क्या सोचना है, आज ही आइए श्याम ज्वेलर्स। हमारा पता है सोनार पट्टी, सदर बाजार, चाईबासा। कार की सर्विसिंग या फिर डेंटिंग पेंटिंग करानी है तो अब जमशेदपुर क्यों जाना, चाईबासा में भी होगा सारा काम, वह भी विश्वसनीयता के साथ। जंक्शन पॉइंट बॉस सर्विस सेंटर में 4 पहिया वाहन से जुड़ा सारा काम होता है, वह भी भरोसे के साथ। एक्सीडेंटल सर्विस, डेंटिंग पेंटिंग सर्विसिंग, व्हील अलाइनमेंट, वॉशिंग, पिकअप एंड ड्रॉप फैसिलिटी, पॉल्यूशन सर्टिफिकेट, कार एक्सेसरीज, यह सुविधाएं एक ही स्थान पर उपलब्ध है। हमारा पता है चाईबासा टाटा मार्ग, टेकासाई, चाईबासा। आया आया नीलम शू में स्कूल का पोशाक, लड़का लड़की छोटा बड़ा मिलेगा हर नाम। नीलम शू, जी हाँ, नीलम शू का वादा, दाम कम मजबूती ज्यादा। नीलम शू, राजाबाड़ी गली, सदर बाजार, चाईबासा। आया आया नीलम शू में स्कूल का पोशाक, लड़का लड़की छोटा बड़ा मिलेगा हर नाम। नीलम शू लेकर आया है सभी स्कूलों का स्कूल ड्रेस,
डीएवी स्कूल, संत जेवियर स्कूल, जिला स्कूल, एसपीजी मिशन, संत विवेका, रूंगटा स्कॉट स्कूल इत्यादि के स्कूल ड्रेस, स्कूल बैग, स्कूल जूते, मोजे, स्कूल बेल्ट, टिफिन बॉक्स इत्यादि उत्तम क्वालिटी के किफायती दामों में उपलब्ध है। तो अवश्य पधारें नीलम शू, राजाबाड़ी गली, सदर बाजार, चायबासा। जी हाँ, नीलम शू का वाद। मझगांव के विधायक नीरल पूर्ति ने कुमारडुंगी प्रखंड के गितिलिपि से जामुदा, हापुगुटू से पोटर साई तक, हापुगुटू से गुना साई तक, गितिलिपि से धनसारी तक और कोकर काटा से उड़ुंदा तक पथ मरम्मति कार्य का भूमि पूजन किया। इस मौके पर विधायक ने कहा कि झारखंड सरकार की योजना का लाभ घर घर तक पहुंचे, उसके लिए प्रत्येक कार्यकर्ता जिम्मेदारी लेकर काम करें। उन्होंने कहा कि कैबिनेट में दो महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए, बहन बेटी योजना और 200 यूनिट मुफ्त बिजली। इन सभी का लाभ जरूरतमंदों तक पहुंचाने का प्रयास किया जा रहा है। विधायक ने कहा कि झारखंड सरकार पूरे राज्य के विकास को लेकर काफी गंभीर है, यही कारण है कि आम जनता की सुविधा को उनके द्वार तक पहुंचाने का प्रयास किया जा रहा है। जिस प्रकार बहन बेटी या माई कोई योजना के तहत राज्य के प्रत्येक माँ बहन को उनकी सेहत और परिवार में मदद के लिए 1,000 रुपये आर्थिक सहयोग देने का घोषणा की है, इससे राज्य की आर्थिक स्थिति भी मजबूत होगी और माँ बहनों को भी मदद मिलेगा। चैबासा के अनुमंडल पदाधिकारी अनिमेश रंजन ने झिकपानी प्रखंड सभागार में मतदाता सूची विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण कार्य को लेकर समीक्षा बैठक की। इस मौके पर प्रखंड विकास पदाधिकारी सीमा आइंद, अंचलाधिकारी धनंजय पाठक, सभी बीएलओ सुपरवाइजर मौजूद रहे। एसडीओ ने आवंटित बूथ के अनुसार सभी बीएलओ और सुपरवाइजर का फॉर्म 6, फॉर्म 7 एवं फॉर्म 8 की प्राप्ति तथा ऑनलाइन करने को लेकर अब तक की प्रगति की समीक्षा की। उन्होंने एआरओ, पंचायत सचिव और बीएलओ के द्वारा डोर टू डोर किए जा रहे सर्वे की भी समीक्षा की। निर्देश दिया गया कि जिस सदस्य की उम्र 18 साल हो चुकी है उनका नाम मतदाता सूची में अवश्य जुड़वाएं। खराब प्रदर्शन करने वाले बीएलओ और सुपरवाइजर को स्पष्टीकरण मांगा गया है। झारखंड पुलिस के जोनल आईजी अखिलेश झा गुरुवार को जमशेदपुर पहुंचे, जहां उन्होंने जिले के तमाम पुलिस पदाधिकारियों के साथ अहम बैठक की। इससे पूर्व गार्ड ऑफ ऑनर के साथ पुलिस मुख्यालय में उनका स्वागत किया गया। बैठक में जिले के एसएसपी समेत तमाम वरीय पुलिस पदाधिकारी मौजूद रहे। बैठक के दौरान रैश ड्राइविंग और सड़क दुर्घटनाओं को कैसे रोका जाए, इस पर मुख्य रूप से चर्चा की गई। साथ ही बेहतर क्राइम कंट्रोल को लेकर भी कई दिशा निर्देश दिया गया। बातचीत के क्रम में उन्होंने कहा कि सड़क दुर्घटनाओं में होने वाली मौत के वास्तविक कारणों की जानकारी एक टीम के द्वारा एकत्र की जाएगी, जिस पर आगे काम किया जाएगा। उन्होंने कहा कि जिले में पुलिसिंग लगातार बेहतर हो रही है। मेरा विजिट के पीछे दो तीन मुद्दों पे था। एक तो कि यहाँ एक्सीडेंटल डेथ्स की केसेस रांची और जमशेदपुर में ज्यादा हो रही है, तो सुप्रीम कोर्ट मॉनिटर कमेटी भी है जिस पर तो उसको हम लोगों ने रिव्यू किया कैसे एक्सीडेंटल डेथ्स को कम किया। साथ ही साथ जो तीन चार प्रकृति के अपराध है उसमें जमशेदपुर में 23 में काफी अच्छा परफॉर्म किया, लेकिन 24 में थोड़ी सी परफॉर्मेंस में कमी आई है। कैसे बर्गलरी है, चेन स्नैचिंग, मोटरसाइकिल थेफ्ट है, इसी प्रकार से पोक्सो एक्ट के केसेस हैं, एनडीपीएस एक्ट के केसेस, साथ ही साथ एससीएसटी एक्ट के केसेस है, इन सब में हम लोगों ने विचार विमर्श किया है और कैसे इम्प्रूवमेंट हो, परफॉर्मेंस इम्प्रूवमेंट हो, उसके लिए हम लोग प्रयास कर रहे हैं और इसलिए डायरेक्शन दिए। ऑर्गेनाइज्ड क्राइम को लेकर वो मुद्दा आज के बैठक का नहीं था, इन्हीं सब मुद्दों पर हम लोगों ने चर्चा किया था, उसी पर हम लोगों ने विचार विमर्श करके निर्देश दिए। रुका जाए उसके लिए क्या निर्देश, जो भी एरिया एक्सीडेंट प्रोन है, मल्टीपल टाइम्स एक्सीडेंट होते हैं, तो उसमें क्या इंजीनियरिंग कारण से हो रहा है या फिर कोई अन्य कारण से हो रहा है, उसको आइडेंटिफाई किया जाता है और उसको एक कमेटी भी है डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, वो उसको सुझाव एवं सलाह देते हैं जिसके आधार पर निर्णय। तो वो टाइम बाउंड तो इसमें नहीं हो सकता, लेकिन प्रयास किया जा रहा है तो उसमें किसी न किसी तरीके से थोड़ा सा इम्प्रूवमेंट लाया जाए और अपनी घटनाओं को कम किया जाए। कुछ टारगेट हम लोगों ने फिक्स किए हैं, उस पर हम लोग प्रयास। आपसे फिर मुलाकात होगी कुछ नए खबरों के साथ।
तब तक बने रहे हमारे चैनल पर। धन्यवाद।